सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परितोष है और आप देख रहे हैं परितोष टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है मी के 3 स्पीकर्स जो कि ब्लूटूथ स्पीकर है, और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में तीनों को कंपेयर करूंगा और दोस्तों तीनों में म्यूजिक प्ले करके आपको बताऊंगा कि कौन सा स्पीकर सबसे बेटर है और कौन सा स्पीकर सबसे बढ़िया है। ये तीनों स्पीकर दोस्तों आते हैं मी शाओमी की तरफ से, जैसा कि आप तीनों देख सकते हैं, और ये तीनों की मैंने अनबॉक्सिंग की हुई है, तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। मैं उसके भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट से करते हैं इन तीनों स्पीकर को कंपेयर और दोस्तों बताते हैं आपको कि इन तीनों में सबसे अच्छा और बढ़िया स्पीकर कौन सा है Xiaomi Mi का। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो भैया फटाफट से जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये है मी पॉकेट स्पीकर 2, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग की हुई है, तो आप जा करके मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैं उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पीकर है, मी की तरफ से आता है 2 कलर में, और ये ब्लैक कलर है और इसका एक वाइट कलर आता है। तो हम इसमें दोस्तों 2 म्यूज़िक प्ले करेंगे और आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि इसका जो साउंड क्वालिटी है और इसका जो बेस है, अगर आप इसमें 100% वॉल्यूम तक में गाना सुनते हैं या कोई साउंड प्ले करते हैं तो इसका साउंड कैसा होने वाला है और इसका बेस कैसा है। जी हाँ, और दोस्तों ये वाला जो स्पीकर है ये है मी ब्लूटूथ स्पीकर बेसिक 2, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट और प्यारा स्पीकर है, तो इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग किया हुआ है अपने वीडियो में, तो मैं इसके भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसे भी हम कंपेयर करेंगे कि इसका साउंड क्वालिटी और इसका बेस क्वालिटी कैसा है। और दोस्तों ये छोटा सा स्पीकर आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही प्यारा स्पीकर है। ये है दोस्तों मी कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर, और दोस्तों इसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग की हुई है अपने वीडियो में, तो आप देख सकते हैं, और इसका भी मैंने वहाँ रिव्यू किया था। तो दोस्तों चलिए कंपेयर करते हैं ये तीनों स्पीकर को और तीनों में प्ले करेंगे 2-2 म्यूज़िक और देखेंगे कि ये तीनों स्पीकर कैसा है दोस्तों, इसका बेस क्वालिटी और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तीनों स्पीकर को दोस्तों 100% वॉल्यूम में हम म्यूज़िक प्ले करेंगे। जी हाँ, तो चलिए फटाफट से कंपेयर करते हैं इन तीनों स्पीकर को और आपको बताते हैं कि ये तीनों में से सबसे बेटर और सबसे बढ़िया स्पीकर कौन सा है। जी हाँ, we'll be right back.
स्पीकर बेसिक 2 है दोस्तों, इसका बैकअप बहुत बढ़िया है। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 3 घंटा इसे फुल चार्ज होने में लगता है, लेकिन दोस्तों 7 आवर्स का आपको नॉन स्टॉप म्यूजिक आप यहां प्ले कर सकते हैं और बहुत ही स्मूथली ये काम करता है। जी हां, और दोस्तों ये वाला जो स्पीकर है मी कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर, दोस्तों इसका भी दोस्तों बैकअप बहुत बढ़िया है। अगर आप इसे एक बार चार्ज करेंगे तो 3 घंटा दोस्तों ये भी लेता है चार्ज होने में, लेकिन दोस्तों 6 आवर्स तक आपको कंटिन्यू म्यूजिक ये देता है। जी हाँ, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो स्पीकर है मी कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर, ये भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। और दोस्तों ये वाला जो हमारा स्पीकर है मी पॉकेट स्पीकर 2, दोस्तों इसको चार्ज होने में कम से कम भी लगता है 4 घंटा, और दोस्तों यहाँ पर इसका बैकअप उतना अच्छा नहीं है, 4 घंटे ही आप इसमें नॉन स्टॉप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो दोनों स्पीकर है, जो कि मी ब्लूटूथ स्पीकर बेसिक 2 और मी कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर, ये दोनों आप जरूर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पीकर है और दोस्तों इन दोनों का बैकअप बहुत बढ़िया है। जी हाँ, तो दोस्तों ये था कंपैरिजन ये तीनों ब्लूटूथ स्पीकर का जो कि मी की तरफ से आता है। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों में मुझे सबसे अच्छा स्पीकर और सबसे बढ़िया स्पीकर कौन सा लगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मी ब्लूटूथ स्पीकर बेसिक 2 का, 1799 दोस्तों इसकी MRP है। और दोस्तों ये स्पीकर सही में बहुत बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर है मी की तरफ से, तो आप इसे जरूर ले सकते हैं। मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इसका जो बेस क्वालिटी है बहुत बढ़िया है, 100% वॉल्यूम में अगर आप म्यूजिक प्ले करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, और मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली ये वाला स्पीकर ले सकते हैं अगर आप कोई मी का स्पीकर लेने की सोच रहे हैं तो। जी हाँ, और दोस्तों ये वाला जो स्पीकर है मी कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर, ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो दोस्तों मैं इसे भी रिकमेंड करूंगा। 799 इसकी MRP है और मैं इसके भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इसमें भी 100% वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले करते हैं तो बहुत ही अच्छा साउंड इसका आता है और बहुत ही अच्छा बेस है इसका। जी हाँ, और दोस्तों ये वाला जो स्पीकर है मी पॉकेट स्पीकर 2, दोस्तों इसका बेस क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, और दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 1499 रुपये है। जी हाँ, तो 100% वॉल्यूम में अगर आप इसमें म्यूजिक प्ले करते हैं तो आपको उतना मजा नहीं आने वाला है, तो मैं कहूँगा कि आप ये जो स्पीकर है इसे आप स्किप कर दें। जी हाँ, जो कि मी पॉकेट स्पीकर 2 है। और दोस्तों ये जो स्पीकर है मी कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर, इसका दोस्तों चल रहा है गिव अवे, तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये दोनों स्पीकर आप दोस्तों Xiaomi का ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट स्पीकर है और दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। और ये स्पीकर दोस्तों छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, आप इसे अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं और बहुत इजीली इसे कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं। जी हाँ, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। जी हाँ, मैं परितोष नथानी साइनिंग ऑफ। We'll be right back.